Subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द टेक्निकल सोल. मैं राहुल शर्मा टेक्निकल सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं. और आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो टाटा टिगोर 2018 का मॉडल है. हालांकि मुझे इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं हो पाई है, बट मैं ये गाड़ी आपको दिखाता हूँ एक वॉक अराउंड की इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको मिले हैं. टेस्ट ड्राइव का वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा. सो ये इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल है. और आइए अब गाड़ी को अच्छी तरीके से देखते हैं कि आखिर ये गाड़ी कैसी है, क्या हमें टाटा ने प्रोवाइड करा है टाटा टिगोर 2018 के अंदर. कमऑन, गाड़ी की अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी कुछ चेंजेस हैं. जैसे कि आप ये ग्रिल देख सकते हैं, हेक्सागोनल जो ग्रिल है इसमें हमें यहाँ पे क्रोम मिला है. यहीं इसके अगर बम्पर की बात करते हैं तो बम्पर में भी हमें यहाँ क्रोम मिला है. फॉग लैंप्स क्रोम से कवर्ड हैं. हेडलाइट जो है इसकी वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश दी गई है. तो ये ओवरऑल फ्रंट लुक है गाड़ी का, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत अमेजिंग और बहुत स्टाइलिश लग रहा है. और वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में हमें जो है 14 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं. यहाँ पे डोर हैंडल में भी हमें क्रोम मिलता है. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डोर हैंडल में भी क्रोम है. यहाँ पे हमें क्रोम की बेल्ट लाइन मिलती है थ्रू आउट द विंडोज़. और अगर इस गाड़ी की हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है. इंडियन रोड्स पे आपको स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. और वहीं हम गाड़ी की रियर साइड की बात करते हैं. रियर साइड की तरफ अगर आते हैं तो हमें रियर साइड में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलते हैं. जो इसकी टेल लाइट्स हैं वो थोड़ी और स्टाइलिश बनाई गई हैं, ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लग रही हैं. यहाँ पे हमें एक डुअल टोन का बम्पर मिलता है ब्लैक एंड वाइट में, आप ये देख सकते हैं कि. और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बम्पर्स में पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं. इसके साथ हमें यहाँ पर एक रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है. और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्पॉइलर मिलता है ब्लैक कलर का, जो कि पहले बॉडी कलर आता था, इस बार ब्लैक कलर का स्पॉइलर दिया गया है. शार्फ फिन एंटीना मिला है हमें इस बार गाड़ी में. सो ये ओवरऑल एक लुक है गाड़ी का, जो कि अपने आप में बहुत स्टाइलिश बहुत प्रीमियम लग रहा है. गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो कैसा है, गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस मिले हैं. तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं. गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं. यहीं पे हमें क्रोम में जो है इंटीरियर डोर हैंडल मिलता है. पियानो ब्लैक फिनिश हैंडल मिलते हैं. और यहाँ पे हमें एसी वेंट्स मिलते हैं जो कि सिल्वर फिनिश और क्रोम में मिलते हैं. यहाँ पे हमें ORVMs के कंट्रोल मिलते हैं. आप इलेक्ट्रिकली ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे हमें ट्विटर मिलता है एक. यहाँ पे हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, डोर में हमें स्पीकर मिलता है. इस गाड़ी में हमें ओवरऑल 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स मिलते हैं. एक ट्विटर आपको यहाँ मिलता है, स्पीकर यहाँ मिलता है. और वहीं हम गाड़ी के अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हैं तो ये इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है. और इसके साथ आप यहाँ से अपनी MID स्क्रीन को जो है सेट कर सकते हैं. ये आप, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये यहाँ से MID स्क्रीन को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. एवरेज टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इसमें शो करेगा. और इसके अलावा हमें एक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदर कवर्ड नहीं है, बट इसमें हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं. हमें यहाँ पे ट्रैक चेंजिंग, कॉल पिकअप ड्रॉप, वॉल्यूम कंट्रोल, और हमें यहाँ पे जो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है इस गाड़ी में. और इस तरफ अगर हम गाड़ी के आते हैं तो हमें यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिलते हैं क्रोम कवर्ड में. यहाँ पे हमें सिल्वर पियानो फिनिश मिलती है और हैजार्ड लाइट मिलती है. यहाँ पे हमें अपने आइडल्स और भगवान की मूर्तियाँ वगैरह करने के लिए एक प्रॉपर जगह मिलती है. यहाँ पे हमें 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जिसमें आपको ऑक्स, ब्लूटूथ, कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, फेवरेट, आप अपने फ़ोन को सेटअप, एंड्रॉयड ऑटो, USB, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं. और इसके अगर हम नीचे आते हैं तो हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. आप ये देख सकते हैं, आप इसको ऑटो पे करेंगे या हमारा ऑटोमेटिक AC है. आप इसको मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो है एक ऑक्स का पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, और एक 12 वोल्ट का आउटपुट मिलता है. इसके साथ हमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है, हम इसमें एक्स्ट्रा 12 वोल्ट आउटपुट का पोर्ट लगा सकते हैं. हमें यहाँ पे एक स्टोरेज मिलती है टू कीप योर फोन और स्टफ्स. और ये गाड़ी जो है 5 स्पीड
मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें, हमें रिवर्स कैमरा प्लस पार्किंग मिलती है। मैं आपको रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा रिवर्स कैमरा है पार्किंग सेंसर्स के साथ। और इसके बाद हमें यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी हमें ब्लैक पियानो फिनिश मिला है, ये हमारा हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे भी एक पोर्ट मिलता है, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 12 वोल्ट का आउटपुट लगा सकते हैं। और इसके साथ हम अगर इस तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिलता है जो कि कूल्ड है, हमें इस गाड़ी में कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग। और इस तरफ हमें यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, और यहाँ पे हमें एनुअली और ऑटोमेटिक कोई भी हमें रियर लाइट को डिम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी में। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द केबिन फ्रॉम द फ्रंट सीट। केबिन बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन है गाड़ी का, और इवन गाड़ी का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इस बार। आपको जो सीट्स हैं यहाँ पे भी, आपको सीट के साइड में लेदर यूज़ किया गया है, सीट के साथ आपको यहाँ पे लेदर भी मिलता है जो इस गाड़ी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। गाड़ी पहले से ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम बनाई गई है। और वहीं अगर हम गाड़ी की सेफ्टी फ़ीचर की बात करते हैं तो हमें इस गाड़ी में 2 एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलता है और एक एयरबैग हमें मिलता है यहाँ पे। एयरबैग जो हैं वो हमें SRS के मिलते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स मिलते हैं टॉप मॉडल से लेकर लोअर मॉडल तक। और म्यूज़िक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस गाड़ी में जो है हरमन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है जो कि अपने आप में बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है, तो गाड़ी का साउंड डेफिनेटली बहुत अच्छा है। हालांकि टाटा की कार्स में केबिन नॉइस होता है, लेकिन इसका म्यूज़िक सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको केबिन नॉइस नहीं सुनाई देगा। सो आइए अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे का कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का। और गाड़ी के अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे जो सीट है वो फुली मैंने पीछे करी हुई है, और लेग रूम देखिए गाड़ी का, लेग रूम जो है काफ़ी सही है, मेरे लेग्स बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली एक आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बोतल होल्डर मिलता है। और यहाँ पे अगर डोर की बात करते हैं तो सेम हमें इंटीरियर क्रोम में डोर हैंडल मिलते हैं, यहाँ पे जो है पावर विंडो बटन मिलता है। इसके साथ अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमें वही यहाँ पे ट्विटर मिलता है, नीचे स्पीकर मिलता है, यहाँ पे हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, ये हेडरेस्ट जो है फिक्स है। और एक यहाँ पे हमें पार्सल ट्रे मिलती है, और हमें इसमें एक आर्मरेस्ट मिलती है पीछे जिसके साथ 2 कप होल्डर भी मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आर्मरेस्ट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। और वहीं इसके साथ हमें यहाँ पे केबिन लाइट सिर्फ एक मिलती है, हमें सिर्फ सेंटर में एक केबिन लाइट मिलती है। वहीं हम गाड़ी की अगर हेडरूम की बात करते हैं तो मेरी हाइट जो है 5'11" है, और ये इसका हेडरूम है, हेडरूम थोड़ा कम है, ऑब्वियसली 6 फीट से ऊपर के पर्सन को बैठने में काफ़ी दिक्कत होगी पीछे, बिकॉज हेडरूम गाड़ी स्लैंट है तो आपको हेडरूम थोड़ा कम मिलेगा। बट ओवरऑल कार जो है बहुत अच्छी है, इंटीरियर पहले से ज़्यादा अच्छा है, आपको टच स्क्रीन दिया गया है इस बार एंड्रॉयड ऑटो के साथ, और वहीं काफ़ी सारे मेजर चेंजेस भी हैं, काफ़ी जगह क्रोम का यूज़ किया गया है, तो कार बहुत अच्छी है। और आइए अब इस गाड़ी का बूट देखते हैं। तो हम वहीं हम अगर चाबी की बात करते हैं तो हमें जो है ये हमारी की है, इसमें हमें यहाँ पे लॉक अनलॉक और फॉलो मी होम लैंप का ऑप्शन भी मिलता है। सो आइए अब बूट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी का बूट कैसा है। तो अगर बूट की बात करते हैं तो हमें इस गाड़ी में जो है 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस आप खुद देखिए, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, एक परफेक्ट फैमिली ट्रिप के लिए बहुत अच्छा बूट स्पेस है। और वहीं हम इसके नीचे अगर ते हैं तो हमें जैक, एक्स्ट्रा व्हील और सारी चीज़ें मिलती हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा व्हील है वो हमें अलॉय व्हील नहीं मिलता है इस गाड़ी में। बाकी बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, बूट स्पेस में कोई कमी नहीं है। सो ये हमारी गाड़ी का ओवरऑल ये लुक है, आप खुद देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत प्रीमियम लग रही है, बहुत स्टाइलिश लग रही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू द टेक्निकल सोल। थैंक यू सो मच।